हेलो फ्रेंड्स, मैं सोना। हम अपने बच्चा वीडियो में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी में आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मैंने यहाँ क्वेश्चंस के बाकी आंसर्स हटा दिए हैं, ऑप्शन हटा दिए हैं, ठीक है। जो करेक्ट आंसर है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। तो जिससे आपका टाइम बच जाए तो स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन किसने कहा है? ये जॉन्स ने कहा है, क्योंकि किशोर शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चा देवा स्वप्न में विचरण करता रहता है, कल्पना जगत में विचरण करता है, दिन में सपने मतलब ख्वाब देखता रहता है, सपने देखता रहता है, परी के ख्वाब देखता है, छोटा होता है जब 6 साल तक का। और उसके बाद जब किशोरावस्था में आता है तो फिर से वो अलग अलग ख्वाब देखने लगता है, अपनी नौकरी के मतलब ऐसा होगा, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होगी, ये मैं इससे शादी करूंगा, मैं ऐसा ऐसा करेंगे, तो ये सब ख्वाब देखता रहता है और ये कल्पनाओं में विचरण करता रहता है। तो इसी यही शैशवावस्था में होता है, यही किशोरावस्था में, इसीलिए उन्होंने इसका कहा था कि जो किशोरावस्था होती है शैशवावस्था का पुनरावर्तन होता है। किसने कहा था? जॉन्स ने। कॉलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कॉलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना ये थी कि कॉलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, उनसे महत्व नहीं दिया था। मानसिक विकास के दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, मानसिक विकास जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है शैशवा काल में, ठीक है। या कहीं कहीं शैशवा अवस्था की जगह शैशवा काल लिख के आ जाता है, जब कहें काल लिखा हो तो भी बात वही है, ठीक। शैशवा काल में 0 से 6 साल में एक बालक किसी लड़की को देखकर यह विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, ये कौन सी अवस्था है? ये जो अवस्था होती है ये अर्ध चेतन की अवस्था होती है, मतलब थोड़ा कुछ कुछ याद तो आ रहा है लेकिन पूरी तरह से चेतना चेतन की अवस्था नहीं है, पूरी तरह से याद नहीं कर पा रहा है कि मैंने कहाँ देखा है, कौन है ये, तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, ये कथन किसका है? ये जो कथन है ये किसका है? वाटसन जी का है। उन्होंने कहा था सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है, आपने देखो उसमें सबसे वो डरता है, फिर क्रोध और प्रेम प्रेम से दिखाने लगता है अपनी माँ से, और थोड़ा जब उसको ज़्यादा देर तक दूध ना मिले, भूख लगी हो, तो थोड़ा गुस्सा भी दिखाने लगता है। तो पहले उसमें भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? जो प्रथम बाल निर्देशन केंद्र था ये विलियम हिली के द्वारा खोला गया था। छोटे शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है? आपने देखा वो छोटे बच्चों को खिलौना दे दो, कार आर दे दो, तो उसके सारे पार्ट को अलग अलग करके देख लेंगे उसमें क्या लगा है, अंदर क्या नहीं है, तो ये उनके जिज्ञासा प्रवृत्ति को दिखाता है, वो जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है कैसे, तो ये उनकी कौन सी प्रवृत्ति को दिखाता है? जिज्ञासा प्रवृत्ति। इसलिए बच्चों को अगर खोल के देख रहा है, अगर पुराना खिलौना तो उसे देख लेने दें, क्योंकि वो जानना चाहते हैं, उसके अंदर एक जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, स्फूर्ति अवस्था होते हैं बाल्यावस्था को, यानी कि बाल्यावस्था में बच्चा सबसे ज्यादा स्फूर्त ऊर्जावान रहता है, खेलने के लिए हमेशा तैयार, तो स्फूर्ति अवस्था। वातावरण में मैं नहीं यहाँ हुआ है होगा, ठीक है। वातावरण वह है बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? ये रॉस जी ने कहा था, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है अल्फ्रेड बिने। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, परिभाषा किसने दी है? परिभाषा दी है क्रोवा क्रोन है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग, जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन से? आश्चर्य होता है, छोटा बच्चा होता है उसके अंदर जिज्ञासा से आश्चर्य होता है, पहले वो देख के खिलौना तो उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि इसके अंदर क्या है, सरप्राइज होता है, तो कौन सा संवेग इससे संबंधित है? आश्चर्य। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? क्योंकि उन्होंने कहा था विकास जो होता है ना वो एक कंटिन्यूसली चलती रहती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और धीरे धीरे होता है, ये नहीं एक दिन में विकास पैदा हो गया, तो ये किसका है? हरलॉक का। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पे आधारित है? विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। वृद्धि और विकास में क्या संबंध है? तो जो वृद्धि और विकास है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कॉलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर, किसी टेट का क्वेश्चन है ये। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं पैदा और नवीन योग्यताओं की बात हो तो आते वहाँ पे हरलोक जी। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? जो नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत था वो दिया था कॉलबर्ग जी ने। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन हुए। पढ़ते रहिए आप लोग, अपने सपनों को जिंदा रखिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।